6 जनवरी को ओमपुरी अपने घर के किचन में मृत पाए गए थे। ओमपुरी की मौत कैसे और किन कारणों से हुई, इस पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन पुरी की मौत के 6 दिन बाद उनकी पत्नी नंदिता पुरी ने बताया कि ओमपुरी की मौत से पहले क्या हुआ था। नंदिता ने कहा, हम पंकज कपूर की बेटी सना और पाहवा के बेटे मयंक की सगाई में जाने वाले थे। इससे पहले कि हम वहां जाते, ओम मेरे घर आए और मेरी माँ से कहा, क्या बुढ़िया क्यों सड़ रही है यहाँ, तू भी मेरे साथ स्वर्ग चल। ओम ने हमें दोबारा बुलाते हुए कहा कि तुम और ईशान जल्दी आ जाओ, लेकिन जब वो बार बार बुला रहे थे तो मैंने उनसे कहा, बहुत देर हो गई है, हम तुमसे कल मिलेंगे। ईशान और मुझे आज बहुत पछतावा हो रहा है कि हम उस दिन उनसे क्यों नहीं मिले। ईशान उनके साथ 8, 9 और 10 जनवरी को ट्यूबलाइट की शूटिंग के लिए जाने वाला था और इसके बाद दोनों वहां से खंडाला जाने वाले थे। नंदिता ने ये भी कहा कि उनका और ओम का अभी तक तलाक नहीं हुआ था, वो केवल अलग रह रहे थे। ओम की तारीफ करते हुए नंदिता ने कहा, ओम हमेशा अजनबी और पड़ोसियों की मदद करते थे, लेकिन अब जब उनके बेटे को उनकी जरूरत है तो वो चले गए। मैं उन्हें बहुत मिस करने वाली हूँ क्योंकि मुझे उनकी आदत हो गई है, मैंने उनके साथ अपने माता पिता और बच्चों से ज्यादा वक्त बिताया है। आपको बता दें कि ओमपुरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ओमपुरी का लीवर सिकुड़ा था, जिससे आशंका जताई जा रही है कि ज्यादा शराब पीने की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ गया होगा। हालांकि ओमपुरी के सिर पर लगी गंभीर चोट उनकी मौत पर सवाल खड़े कर रही है।